मुख्यमंत्री शिवराज, आप भले ही अपने प्रदेश की अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा कर लें, लेकिन उसकी असलियत तो यह है कि आज भी लोगों को इलाज के लिए दरबदर भटकना पड़ रहा है। उनका इलाज करना तो दूर की बात है, आपके डॉक्टर तो उन्हें अस्पताल में भर्ती तक नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली से जुड़ा ये मामला डिंडोरी के बचाक का है, जहां झनकी गांव के ग्रामीण ने बताया कि मेरे भाई के मासूम बेटे को पागल कुत्ते ने काट लिया था, जिसको गंभीर हालत में लेकर अस्पताल आया, लेकिन अस्पताल में 2 घंटे खड़े रहने के बाद भी बच्चे को भर्ती नहीं किया गया। 2 घंटे बाद जब बच्चे को भर्ती किया गया, तब भी लापरवाही के साथ उसका इलाज किया गया। पीड़ित ने कहा कि मैं शासन से मांग करता हूं, ऐसे डॉक्टरों और नर्सों को बर्खास्त कर यहां पर सही डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। मैं ग्राम झलकी से आया हूं, मेरे भाई के लड़के को पागल कुत्ता काट दिया, जिसको मैं अपने साधन से लेकर बाजार सरकारी अस्पताल आया। आने के बाद यहाँ वहाँ पूरे कमरों में ढूंढा, कोई सिस्टर न कोई चपरासी न कोई डॉक्टर नहीं मिले। मैं आधा घंटा पौन घंटा यहाँ चिल्लाते रह गया, कोई नहीं मिले। जब ज़्यादा चिल्लाने लगा गेट के बाहर निकल के, तो एक सिस्टर दौड़ कर आई है और वो टाँका वगैरह लगा रही है। उसके बाद भी 3 बार मैं डॉक्टर को बुलाने गया, तो डॉक्टर बड़ी मुश्किल से आधा घंटा के बाद में आए हैं। बच्चे की कंडीशन बहुत बुरा है, ज़बरदस्त चेहरे में यहाँ पूरा काट दिया। मैं इलाज चाहता हूँ बच्चे का, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। और यहाँ पर जो ये लापरवाही है, जो उपस्थित कोई नहीं रहते, एक चपरासी ना सिस्टर, इसकी व्यवस्था शासन प्रशासन सही से करे और ऐसे यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ से दूसरे बाहर देश भेजे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।